अंबुजा सीमेंट को डेली टाइम फ्रेम से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 सितंबर की ये कैंडल एंड 4 सितंबर के नीचे देखिए प्राइस हमारा जा नहीं रहा था। जब जब प्राइस हमारा 4 सितंबर की कैंडल के लो से टकरा रहा है तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस बार बार अपसाइड की तरफ जा रहा था। आज हमको एग्जैक्ट सपोर्ट पॉइंट मिल रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम रीडिंग के अकॉर्डिंग आज के दिन हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करनी थी एंड ये वाले कुछ प्राइस थे, इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम, ये हमारे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर एंड प्राइस जो हमको आज मिला है वो बिल्कुल इस जगह पर मिला है। हम इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो एग्जैक्ट हमको यहाँ पर एंट्रीज के कंफर्मेशन मिले। 10 बजे की जो कैंडल थी हमारी ये वाली, इसके जस्ट हमने स्विंग पर अपना स्टॉप लॉस लगाया एंट्री 433.80 पर, ये हमारा स्टॉप लॉस था एंड यहाँ पर हमने अपने टारगेट्स बुक किए। सो ओवरऑल जो हमको आज का प्रॉफिट मिला है 10,100 के अराउंड का प्रॉफिट था, विच इज इनफ। अंबुजा सीमेंट में हमने 2 रुपए भी कम के स्टॉप लॉस के साथ में 2000 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड इसको पूरे दिन हमने होल्ड किया। व्हाट्सएप पर आपको 2 तरह के मैसेज, फर्स्ट मैसेज देखिए क्या है कि आज वोल्टास को डेली टाइम फ्रेम पर इतने पर हमने बैकलाइन एंड नीचे के शॉर्ट के लिए इसको देखा, ये देख करके हमने कहा कि परफेक्ट एनालिसिस है, होल्ड कीजिए अभी ये और नीचे जाएगा, तो ये और नीचे गया, थैंक यू। और इसके बाद में मैसेज आया कि सर आप सही कह रहे थे कि वोल्टास अभी और नीचे गया, तो एक तो ये एनालिसिस है कि एनालिसिस की करने के बाद में उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है कि वो ठीक है, या तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे टारगेट दे देंगे। बहुत कम होता है कि स्टॉप लॉस जाता है, अदरवाइज आपको टारगेट ही मिलेगा उसको। बट इसके जस्ट अपोजिट आप दूसरा मैसेज देखना, अनुज जी का मैसेज आया था, इन्होंने यूको बैंक को देखिए यहां से कर दिया था शॉर्ट। हमने क्या लिखा था कि यहाँ पर निफ्टी बैंक तो हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है बट यूको बैंक बहुत सही जगह पर, अब इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इन्होंने यूको बैंक को पूरे दिन देखिए होल्ड किया और जो भी टारगेट इनका था 43.75 पूरा टारगेट इनको मिला। बट बात का मैसेज क्या आ रहा है, सर लगता है तुक्का सही लग गया, एनालिसिस जो सिखाई गई है जिस तरह से प्रैक्टिस कराई सब कुछ वही है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। सही एनालिसिस करने के बावजूद भी अगर हमें कोई प्रॉफिट होता ना तो लगता है कि अरे ये तो तुक्का लग गया, ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हमने कहा वेरी गुड, अच्छा है आप ऐसे ही तुक्का लगाते रहिए, जबकि मालूम है हमें कि डेली टाइम फ्रेम पर यूको को बहुत सही जगह पर उन्होंने पकड़ा है एंड लोअर टाइम फ्रेम पर जो देख करके उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया बहुत सही ट्रेड एग्जीक्यूट भी किया और इसको नीचे ही जाना है क्योंकि बहुत अच्छी जगह पर यूको बैंक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी की जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट भी रहे। मनोज के केस में क्या है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ट्रेड के ऊपर जबकि एनालिसिस पूरी सही है, और इसके जस्ट अपोजिट अनुज का ट्रेड है, पूरी तरह से उन्होंने होल्ड किया, सेटिस्फाइड ट्रेड्स हैं, एक अच्छे एनालिसिस के साथ में पूरे ट्रेड को लास्ट तक उन्होंने होल्ड किया, प्रॉफिट लेकर के बाहर निकल गए।